गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर SBC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, जीवन बीमा एवं बीमा एवं विनियोग दोनों हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, जीवन बीमा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बीमा करवाता है। तो जीवन बीमा अगर हम देखें तो व्यक्ति का जीवन जो है अनिश्चितता से घिरा हुआ है, भविष्य में कब क्या हो जाए उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऐसे स्थिति में जीवन बीमा के द्वारा व्यक्ति अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन बीमा का सहारा लेता है। वर्तमान समय में हम देखें तो जीवन बीमा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जीवन बीमा के द्वारा व्यक्ति बीमा भी करवा सकता है, विनियोग भी उसका हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जीवन बीमा केवल बीमा ही नहीं है बल्कि विनियोग का साधन भी माना गया है, क्योंकि जीवन बीमा वस्तु तो एक ऐसा बीमा है जो व्यक्ति के जीवन का किया जाता है और इसके द्वारा व्यक्ति के जीवन की आर्थिक खामियों जोखिमों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी यह दुर्घटना एवं आकस्मिक संकटों से होने वाली हानि से हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो जीवन बीमा जो है व्यक्ति को मानसिक शांति यानी मेंटल पीस भी देता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की वर्किंग कैपेसिटी यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि जनरली हमने देखा है जब व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ होता है, व्यक्ति खुशहाल होता है, उसके मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो उसका मन अच्छे से कार्य करने को प्रेरित होता है। ठीक है, इसके विपरीत यदि उसके मन में अनावश्यक भय होगा, अनिश्चितता रहेगी, जोखिम की संभावना बनी रहेगी, तो उसका मन कार्य करने में नहीं लगेगा और उसकी कार्यक्षमता ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो जीवन बीमा जो होता है व्यक्ति को मानसिक शांति तो देता ही है, इसी के साथ उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि भी करता है, जिससे क्या होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति बढ़ती है और उसकी जो उत्पादक पावर भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जीवन बीमा परिवार के सदस्यों को जीवन स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहायता करता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जीवन बीमा है जो बीमा शासन नियोग विनियोग का साधन भी माना जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें हमारे देश में, भारत देश में जीवन बीमा को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार ने आयकर में छूट का प्रावधान भी किया हुआ है। यानी जो भी कर्मचारी या व्यक्ति अपना बीमा करवाता है, जीवन बीमा करवाता है अपने जीवन का, ऐसी स्थिति में उसे जो प्रीमियम जमा कराई जाती है सालाना, उस पर वार्षिक प्रीमियम के ऊपर छूट, इनकम टैक्स आयकर से छूट मिलेगी, उसमें आयकर से उसे राहत मिल जाती है। तो इसलिए अगर हम देखें तो जीवन बीमा एक तरह से निवेश का माध्यम भी किस प्रकार है, क्योंकि जीवन बीमा जब हम करवा लेते हैं तो उसके के लिए हमें प्रीमियम की एक मुश्त राशि जमा करवानी होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना 20 साल का जीवन बीमा करवाया है, ऐसी स्थिति में मुझे जो 20 साल का प्रीमियम की राशि जमा करवानी होगी और जो एक मुश्त राशि होगी। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति चाहे तो ये प्रीमियम राशि जब जमा करवाता है तो धीरे धीरे उसका पैसा एक फंड में जुड़ता जाता है। और जीवन बीमा का जो सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें जो आपने भुगतान किया है वो आपको अवश्य मिलेगा, या तो व्यक्ति स्वयं जीवित रहेगा तो उससे वो राशि मिल जाएगी, अदरवाइज यदि उसकी किसी कारण से दुर्घटना में या किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो उसका नामांकित व्यक्ति है नॉमिनी को वो राशि प्रदान कर दी जाएगी। तो इस तरह से जीवन बीमा जो है एक तरह से हम कहें तो विनियोग का साधन भी माना गया है, इसलिए इसमें निवेश किया गया सुरक्षित है, आपके हितों को उससे प्रोत्साहन मिलता है और आपके हितों की रक्षा होती है। तो इस तरह से जीवन बीमा अगर हम देखें तो बचत का एक बेहतर तरीका माना जाता है। जीवन बीमा पॉलिसी के ऊपर आपको लोन भी मिल जाता है, आप ऋण ले सकते हो, इसी के साथ आपको करों में छूट मिल जाती है जो कि एक बहुत बड़ी राहत मानी जाती है। इसी प्रकार अगर देखें इससे गुडविल में वृद्धि भी होती है, गुडविल में वृद्धि होती है यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है तो उसकी साख प्रतिष्ठा को अच्छा माना जाता है। तो मैं आप सभी से बच्चों यही कहना चाहूँगी कि आज प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए अपनी पारिवारिक सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन बीमा अवश्य करवाना चाहिए, जो कि एक तरह से बेहतर निवेश का साधन माना गया है।